दोस्तों नमस्कार। तो साल 1998 से आज तक वेस्ट इंडीज की टीम साउथ अफ्रीका को टेस्ट में हरा नहीं पाई है। इसका मतलब कि 10 लगातार सीरीज जीतकर भारत के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए साउथ अफ्रीका पहली ऐसी टीम बन गई है जिसने वेस्ट इंडीज को 10 सीरीज में लगातार हराया हो। अभी तक वेस्ट इंडीज एक भी सीरीज इनके खिलाफ जीती नहीं है। अगर वेस्ट इंडीज अगर कोई भी एक सीरीज जो जीती थी वो जीती थी 1992 में। 1992 के बाद मैच हुआ 1998 में जो एक टेस्ट की सीरीज हुई, वहां से अभी तक अनबीटन रही है साउथ अफ्रीका की टीम। अगर आपको मैच के हालात बताएं तो मैच के हालात कुछ इस तरह बदतर रहे हैं कि जो वेस्ट इंडीज की बैटिंग थी उस बैटिंग लाइनअप में इस तरह का जो कोलैप्स देखने को मिला है वो काफी उतना किस तरह से दिखाता है कि वेस्ट इंडीज का क्रिकेट, जो क्रिकेट वेस्ट इंडीज जिस क्रिकेट के लिए जानी जाती थी, उस क्रिकेट का स्तर काफी नीचे गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से अगर देखें तो वेस्ट इंडीज के सेकंड इनिंग में किसी ने भी 40 का आंकड़ा पार नहीं किया, एक भी बल्लेबाज 40 का आंकड़ा पार नहीं कर पाया। हालांकि जी मोटी ने 45 रन बनाए जो कि 9वें नंबर पे आके खेलते हैं, यानी कि एक गेंदबाज के तौर पर खेलते हैं, 9वें नंबर पर आते हैं। उन्होंने मात्र 45 रन की पारी खेली, उसके अलावा कोई भी ऊपरी क्रम का बल्लेबाज, कोई भी मध्य क्रम का बल्लेबाज 45 रन की पारी से छोड़िए 30 रन की पारी भी नहीं खेल पाया। और इसी के साथ बगल में वहां मौजूद थे केशव महाराज। अब केशव महाराज का क्या था, उनका तो बॉलिंग में भी सिक्का चला और बैटिंग में भी, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी करते हुए पहले इनिंग में 3 विकेट झटके और दूसरी इनिंग में 3 विकेट झटक लिए। यहाँ पर रबाड़ा का साथ मिला उनको, रबाड़ा ने भी 3-3 विकेट झटके। उसके बाद बल्लेबाजी के पहली बार में तो केशव महाराज शून्य पे आउट हो गए थे, पर अगली पारी में केशव महाराज ने भी यहाँ पर अच्छे खास सपोर्ट दिखाया और 24 रन की एक पारी खेल डाली, जिससे उनको मैन ऑफ द सीरीज भी मिला। क्योंकि पूरे इस टूर्नामेंट में लगातार केशव महाराज अपनी विकेटों का प्रदर्शन करते आ रहे थे, उससे दिखा कि किस तरह का एक स्पिन का एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखा रहे थे केशव महाराज। अपनी गेंदबाजी से जिस तरह से धराशायी कर दे रहे थे वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को, तो देखने को मिला। और हालांकि इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था ये भारत के नाम दर्ज था, भारत ने लगातार 9 सीरीज हरा रखी थी वेस्ट इंडीज को, लेकिन अब लगातार 10 सीरीज हराने के बाद साउथ अफ्रीका इस रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ आगे निकल चुका है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने भी 9 सीरीज हरा रखी है लगातार वेस्ट इंडीज को, यानी कि वेस्ट इंडीज का जो ये डाउनफॉल है ये इस क्रिकेट को उनके इस जगह पे ले आया है। जिस तरह से कई बार उनको सवाल उठता है कि वो प्लेयरों की अदला बदली करते रहते हैं, प्लेयरों की कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, उसके हिसाब से ये वेस्ट इंडीज का एक डाउनफॉल है जहां से उनको बैक करने की जरूरत है। हालांकि आपकी राय जरूर दीजिए अपने इस पूरे वीडियो पर, क्या है वेस्ट इंडीज के डाउनफॉल का कारण और क्या लगता है आपको कि क्या कुछ कर सकती है वेस्ट इंडीज। और वीडियो को पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।